बिहार के नवादा में शिक्षिका की विदाई पर छात्रे गले से लिपटकर रोने लगी। बुधवार को रामलाल इंटर विद्यालय तारगीर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जनवरी 2011 में शिक्षिका डॉक्टर विनीता प्रिया ने सामाजिक विज्ञान विषय के लिए योगदान दिया था। शिक्षिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस विद्यालय में जब वो जाने लगेंगी तो ऐसा दिन भी देखना होगा। बुधवार को करीब 11 साल बाद अपनी मर्जी के ट्रांसफर लेने के बाद डॉक्टर विनीता प्रिया विदा हो रही थी। स्कूल के जाने के दौरान बच्चे कदम कदम पर शिक्षिका डॉक्टर विनीता प्रिया का रास्ता रोक खड़े थे। कोई आंसू बहा रहा था तो कोई उन्हें विद्यालय से नहीं जाने के लिए जिद पर रास्ता रोके खड़ा था। बच्चों की जिद के आगे शिक्षिका को भी बेबस दिखी, उनके भी आंसू निकलने लगे, वह भी छात्राओं के साथ रोने लगी। इस दौरान विद्यालय के अन्य शिक्षक नौकरी के स्थानांतरण का हवाला देकर समझाते रहे, पर छात्राएं कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। बताया जाता है कि शिक्षिका के पढ़ाने का तरीका बच्चों को पसंद आता था, बच्चों को उससे काफी लगाव था। यह कारण है कि छात्राएं विदाई के मौके पर फूट फूट कर रोने लगी। विद्यालय के बच्चों को रोते देख वहां उपस्थित उनके अभिभावक की आंखों में भी नम हो गई। काफी समझाने और बार बार विद्यालय आने के आश्वासन के बाद बच्चे शांत हुए। इसके बाद शिक्षिका डॉक्टर विनीता प्रिया को भारी मन से जाने दिया। इसके पूर्व विद्यालय की ओर से डॉक्टर विनीता प्रिया के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित शिक्षिकाओं ने डॉक्टर विनीता की तारीफ की, कहा कि बार बार विद्यालय में ऐसे शिक्षक नहीं आते हैं। इन्होंने विद्यालय में पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपनी जवाबदेही का निर्वहन किया। 11 वर्षों से सेवा काल के बाद रहे प्रखंड के इंटर विद्यालय उहारी में ट्रांसफर हुआ है। Thank you.